इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में जहां अन्नदाताओं का मार्च देखने को मिल रहा है, वहीं इन्हें अब तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी खुद पहुंच चुके हैं इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, और इस वक्त राहुल गांधी किसानों को संबोधित कर रहे हैं। सब सीनियर नेता फारूक अब्दुल्ला जी, येचुरी जी, शरद यादव जी, राजा जी, समाजवादी पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के, टीडीपी के, सीपीआई के सब नेता भाइयों और बहनों, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, जैसे वीएम सिंह जी ने कहा, आज हिंदुस्तान के सामने दो बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा हिंदुस्तान के किसान के भविष्य का मुद्दा, और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार का मुद्दा। ये दो मुद्दे हिंदुस्तान के सामने हैं, और लड़ाई है तो युवाओं और किसानों के भविष्य की लड़ाई है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है, और 12.5 लाख करोड़ रुपए जिसे नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, उनका आने वाले समय में वो कर्जा माफ करना चाहते हैं। हम यहां सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है, तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा है, कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सही दाम दिलवाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था बोनस मिलेगा, एमएसपी बढ़ाई जाएगी, और आज हालत क्या है? आप बीमा का पैसा देते हो, अनिल अंबानी जी की जेब में आपका पैसा जाता है, देश में डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। किसान ये भी नहीं चुन सकता है कि कौन सी कंपनी का बीमा ले, हिंदुस्तान को बांट रखा है, कहीं अंबानी को, कहीं अंदानी को। आपका कर्जा माफ नहीं किया जाता, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको सही दाम नहीं दिया जाता, और खोखले भाषण किए जाते हैं। हिंदुस्तान का किसान मोदी जी से अनिल अंबानी का हवाई जहाज नहीं मांग रहा है, मगर हिंदुस्तान का किसान यह कह रहा है, अगर आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की एयरफोर्स का पैसा दे सकते हो, अगर आप अपने 15 मित्रों को 3,50,000 करोड़ रुपए दे सकते हो, तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे खून के लिए, हमारे पसीने के लिए भी आपको हमें कर्जा माफ करके देना ही पड़ेगा। और इसीलिए बाकी सब पार्टी के नेता यहां बैठे हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, मगर किसान के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हम सब एक होकर स्टेज पे खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से हम कहना चाहते हैं, देखिए, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े, या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे, और हम एक इंच पीछे नहीं रखने वाले हैं। आपको जो करना है करो, ये जो शक्ति यहां आई है, ये हिंदुस्तान के किसान की शक्ति है, हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति है, और ये जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, हर प्रदेश में ये जो आवाज उठ रही है, ये हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के किसान की और हिंदुस्तान के युवा की आवाज है और इसको आप चुप नहीं कर सकते हैं। मोदी जी का चेहरा है मगर उनके मुंह से हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर अनिल अंबानी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। हिंदुस्तान की सरकार किसानों का काम, युवाओं का काम जब तक नहीं करेगी वो इस देश में नहीं बच सकेगी और यही हालत हो गई है। 5 साल पहले हम सब ने कहा था, बीएमसीसी ने अभी बोला, अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान के किसान का अपमान करेगी, हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान करेगी तो उस सरकार को किसान और युवा हटा के ही दिखाएगा और यही होने वाला है। मैं आप सबको हिंदुस्तान के किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं और मैं सिर्फ अपने ओर से नहीं बोल रहा हूं, सब नेताओं ने यही बात बोली है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप घबराइए मत, आप देश को भोजन देते हो, आप 4 बजे सुबह उठकर देश को अपना खून पसीना देते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कानून बदलना हो, जो भी करना हो आप हमें बताइए, जो आप हमें कहोगे हम आपके साथ खड़े होके करके दिखाएंगे। इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, कोई एक पार्टी नहीं चलाती है, इस देश को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा माताएं बहनें चलाती हैं। आपने इस देश को बनाया है, आपकी शक्ति ने इस देश को बनाया है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो सीनियर नेता यहां आए आपको मैं कहना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं, हम सब हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं, आप सभी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।